दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं अब सुरक्षा को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी भारी अलर्ट है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद यूपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की घटना के बाद से ही गोरखपुर में भी सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है। दिल्ली की घटना के बाद प्रयागराज में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट का ख्याल रखते हुए प्रयागराज एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बांदा में भी पुलिस ने शहर के संवेदनशील स्थानों में पैदल मार्च किया। देर रात सीओ सिटी राकेश सिंह ने सर्किल के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। इस दौरान शहर कोतवाल के साथ में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हमीरपुर में भी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक मामलों को लेकर अलर्ट है। डीएमएसपी सहित जिले के सभी पुलिस ने सड़कों में उतरकर जिले में सभी जगह पैदल मार्च किया। साथ ही सभी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। रायबरेली में त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और सीओ सिटी वंदना सिंह ने पेट्रोलिंग करी है। तो वहीं बेवजह घूमते लोगों से पूछताछ भी की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन सहित शहर के मुख्य जगहों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया। गाजियाबाद प्रशासन ने सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिसिंग की गश्त बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद बॉर्डर पर अब लगातार पुलिस पहरा दे रही है और हर आने जाने वाले गाड़ियों पर नजर भी रखे हुए हैं। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार के दौरान फरियादियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अपराध और जमीनी विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए फरियादियों को आश्वस्त किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण की बात कही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों की तहसीलों में निस्तारण तेजी से किया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। मायावती ने नल कोऑर्डिनेटर पद की व्यवस्था खत्म कर दी है, जिसके बाद अब काशीराम की 10 साल पुरानी मंडल प्रभारी व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। बीएसपी सुप्रीमो ने हर मंडल पर तीन तीन प्रभारी बनाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी के पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता निकल दिखाया है। मायावती ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शत्रुघ्न सिन्हा को जीत पर बधाई दी है। अखिलेश ने लिखा, भाजपा का विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें हारना बड़ा संकेत है। आपको बता दें कि टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा से 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करी है। पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा जिले में नमामि गंगे योजना के तहत 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। योजनाओं के कार्य की प्रगति को देखने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने जिले के फुटेरा गांव पहुंचकर पेयजल योजना का निरीक्षण किया। 978 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही यह योजना महोबा जिले के 264 ग्राम पंचायतों की 11 लाख आबादी को लाभान्वित करने वाली है, जिसे पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि स्टेशन में फिर से ही झांसी का नाम जोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। झांसी शब्द हटने पर कांग्रेस समेत अन्य दलों ने विरोध किया, इसके चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ रहा है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि नाम जुड़वाने के लिए स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी नाम परिवर्तन हो जाएगा। स्टेशन का नाम झांसी रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई भी रहेगा। बॉलीवुड के बुलंद सिंगर और नेशनल अवार्ड विनर सुखविंदर सिंह ने राम भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सुखविंदर सिंह श्री हनुमान चालीसा को लेकर आ गए हैं। सिंगर ने श्री राम की नगरी अयोध्या जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपने इस म्यूजिक वीडियो के लिए भगवान का आशीर्वाद भी हासिल किया। बरेली में थाना सीबी गंज पुलिस ने एक बार फिर से हाथरस कांड की यादें ताजा कर दी। पुलिस की मौजूदगी में रात में दलित युवती के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले नाराज परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया था। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि 19 साल की दलित युवती का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। इसके बाद युवक उसे निजी अस्पताल लेकर गया, जहां गर्भपात के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने के चलते युवती की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। इसके बाद परिजन शव लेकर सीबीगंज थाने पहुंचे और थाने के बाहर हंगामा काटने लगे, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया। अलीगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र मदार गेट पुलिस चौकी इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर समुदाय विशेष के लोग कुछ लोगों से ईंट पत्थर से हमला करते हुए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मामला गरमाता देख पथराव करने वाले मौके से फरार हो गए। दो समुदाय के झगड़े में पथराव की सूचना के बाद मगर पहुंची भारी मात्रा में पुलिस बल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संवेदनशीलता के चलते इलाके में फोर्स को तैनात किया है। संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति से 2,85,000 रुपए की लूट की और फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के परह थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अलीगढ़ जिले के हरदुआ गंज तापीय विद्युत कासिमपुर पावर हाउस परियोजना द्वारा किसानों की जमीन का मुआवजा न देने पर 11 किसान परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठ गए और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अमित मोहन प्रसाद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी का निरीक्षण किया है। साथ ही सुदूर इलाके में बने स्वास्थ्य केंद्रों में सीनियर डॉक्टरों की तैनातगी का जायजा भी लिया है। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं दो लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा के एक पैरा मेडिकल कॉलेज में लोगों छात्रों के फर्जी एडमिशन कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 19 छात्रों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है, तो वहीं बीजेपी सांसद ने निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही है। अलीगढ़ में एक महिला ने दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो वहीं पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर के इटौरा गांव में 11वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा कोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर वाद को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें अधिवक्ता की मानहानि कैसे हुई। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की चपेट में कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े टैंकर से जा टकराया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में नदी में नहाते समय 3 किशोर डूब गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। बाराबंकी पुलिस ने एक तस्कर से के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। तस्कर शहीम गैंगस्टर ने सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें, आरोपी ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान घटना को अंजाम दिया था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल विनीत कुमार ने बंदरिया के गर्भ में फंसे मृत बच्चे को बाहर निकालकर बंदरिया की जान बचाई है, जिसका फतेहपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए वीडियो अपलोड किया है। बरेली में एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से टेंट गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के बलकेश्वर मंदिर में बाहर सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में ठेले पर सजी दुकान भी आ गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बिजनौर के नहटौर रोड पर गन्ने से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अम्बेडकर नगर में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में एक दबंग भाजपा नेता के घर में एक व्यक्ति को मुर्गा बनाकर जमकर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद अब यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया है। जालौन में भी अजान के वक्त कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा इससे दिमाग की शुद्धि होती है। कुशीनगर में मिठाई बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई। आग की चपेट में कई जलकर खाक हो गए, तो वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पंचायतों को मजबूत करने के लिहाज से पंचायती राज विभाग की तरफ से राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी पहल करी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से पंचायती राज को मजबूत करने पर बल मिलेगा। इस कार्यशाला में देश भर के कई राज्यों से पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर से भी 30 प्रतिनिधि उत्तराखंड में पहुंचे हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, पंचायतें मजबूत होंगी तो राम राज्य आएगा और आज पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत है। हरिद्वार में फर्जी प्रमाण पत्रों के बलबूते पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि बाकी शिक्षकों की अभी जांच चल रही है। अलकनंदा नदी किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट खंडहर में तब्दील हो रहे हैं और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बरसाती सीजन गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। हर साल बरसाती सीजन में नदी किनारे स्थित घाटों में मलबा जम जाया करता है और घाट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पिछले साल तक घाटों की सफाई की जाती थी लेकिन इस बार घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। हल्द्वानी शहर में आजकल सड़कों की खस्ता हाल है। वजह यह है कि पूरे हल्द्वानी शहर में करीबन 162 किलोमीटर सड़कें गैस पाइपलाइन के लिए खोदी गई हैं। हालांकि इन सड़कों का मुआवजा लोक निर्माण विभाग को करीबन 6.5 करोड़ रुपए और नगर निगम हल्द्वानी को करीबन 4 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। जिलाधिकारी नैनीताल को मिली जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कई सड़कों की खुदाई के बाद जिन जगहों में सड़कों को पाटा गया है वो मानकों के अनुरूप नहीं है। जिन सड़कों को खुदाई के बाद मानकों के अनुरूप नहीं पाटा गया उन सड़कों को लोक निर्माण विभाग ने बनाना भी है। अयोध्या में आज 84 कोसी परिक्रमा के लिए कार सेवक पुरक में साधु संत एकत्रित होंगे। शाम को 4 बजे सरयू पूजन के बाद महादान के लिए यात्रा रवाना होगी। कल मखौड़ा धाम से 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होगी जो कि 25 दिनों तक चलेगी। 84 कोस की परिक्रमा विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल की तरफ से निकाली जाएगी। परिक्रमा 2 साल कोरोना प्रभाव के कारण प्रभावित रही तो वहीं लगभग 200 लोगों ने परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फरुखाबाद में सपा सरकार में अकूत संपत्ति बनाने वाले कंपल चेयरमैन के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। शनिवार को उनके द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा बनाए गए गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाते हुए उसे ध्वस्त करवा दिया। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई। अंतर जनपदीय 2 साथी लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दोनों कानपुर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों लुटेरों ने 13 अप्रैल को हरदोई में 2 स्थानों पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। लखीमपुर में भी चेन स्नैचिंग करी थी। पुलिस ने दोनों जगहों के सोने का जेवर बरामद कर लिया है। साथ ही दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया। मिर्जापुर में काली खोह मंदिर के पास जंगल में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी ज्यादा भीषण है कि देखते देखते 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू फिलहाल पा लिया है। बांदा में एक बांग्लादेश के रहने वाले व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद आरपीएफ के सिपाही ने एम्बुलेंस की मदद से व्यक्ति को जिला अस्पताल में पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने अधेड़ को देखते ही मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।